दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। गत रात्रि शॉर्ट सर्किट से संजय गांधी नगर के गली नंबर 3 में धर्मेंद्र इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर भीषण आग लगने से टीवी एलईडी मोबाइल जलकर राख हो गए। इसकी सूचना इलाके के लोगों ने दुकान के मालिक धर्मेंद्र को दी। दुकान के मालिक ने बताया कि लगभग 3 लाख रुपए की कीमत का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया है। इस मौके पर इलाका पार्षद कंवलजीत सिंह बेदी व इलाका निवासियों ने प्रशासन से उनके नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। आग लग गया था, कैसे ये पता नहीं लगा था। 3 बजे करीब, रात को 3 बजे। कितना सामान था बीच में? 2-2.5 लाख रुपया गया था। इलेक्ट्रॉनिक की जी शॉप हैगी है उत्थे राती बंद करके गए थी, तो राती इन्हों को फोन गया कि इतने अग लग गई है, पता नहीं किस कारण, या शॉर्ट सर्किट कारण या किसी शरारत कारण इतने अग लगी है। ये इलेक्ट्रॉनिक समान की दुकान है, उत्थे करीब करीब जो इन्हें मैंने दसाया कि 2.5-3 लाख रुपये का अंदर माल से, LCDs वगैरह, TV वगैरह सारा सड़ के सवाह हो गया, दुकान च कुछ नहीं बचिया। एक गरीब आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होया। पुलिस दे कोल कंप्लेंट करती है और इतने मल्ला निवासियों ने आके देखा, पानी पा के अग बुझाई तो सारा समान सड़ के सवाह हो चुका। धर्मेंद्र TV की दुकान सी, बहुत भलामा मुंडा सी। अब मैंने सवेरे पता लगा भी दुकान में अग लग गई, तो बहुत ज़्यादा नुकसान, हम आके वेख्या सब कुछ सड़ के सवाह हो चुका।